पनिशमेंट से सीखा हुआ था। इसी के बजाय
आइंस्टाइन एंड न्यूटन की जो थ्योरी होती है वो जब पढ़ाया करते थे कैफियत की सारी होती थी, उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं। सुल्तान राय साहब के बारे में मशहूर है वो सूरह मुजम्मिल बहुत आला रिसाइट किया करते थे, उनकी तिलावत बहुत आला थी सूरह मुजम्मिल के तौर पर बात करते। एक जगह इसी तरह से उनका कहीं स्टेज सजा था फिल्म का चलता था, लेकिन वो तरावी करवाया करते थे, सूरह मुजम्मिल पढ़ी। एक साहब थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया कसरत, यहाँ सूरह खत्म हुई उनके साथ एक बैठे थे, कहते क्या हुआ, कहते मैं तो पढ़ रहा था उसे समझ आ गई। अहमद बिन अली अजमी जी के भी सूरह अंबिया सुनिएगा, उनसे पढ़ी ही जाती है समझ आती है। यहीं पे कराची के मदरसे के हजरत हैं, इमाम है, मस्जिद है, आलम दीन है, वो जब नमाज पढ़ाते हैं तो कभी कभी नियत में 5 से 7 मिनट लेते हैं। एक दिन पीछे जो लोग खड़े हुए तो उन्होंने कहा हजरत ज्यादा हो जाते हैं, कहते कैफियत ही नहीं बनती। उसके दरबार में सलाम करने जा रहा हूं कैफियत ही नहीं बन रही। अब कैफियत से अगली चीज समझिएगा, मैंने अभी क्या समझाया, पनिशमेंट वर्सेस पैशन, सही हो गया। पनिशमेंट होगी तो अदाकारी करोगे, पैशन होगा तो क्या होगा कैफियत के कारण, सही होगी बात। अब क्या होता है कि नमाज की अदाकारी करने में और नमाज पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। नमाज मोमिन की मेराज है, कितनों की है। ड्रामे में एक औरत माँ की अदाकारी कर रही है, घंटे के बाद उसे पता भी नहीं होता जिसकी वो माँ बनी हुई थी वो कहाँ चला गया। जो हकीकी माँ होती है 5 मिनट बच्चा स्कूल से लेट हो जाए तो उसका बीपी 210 पे चला जाता है, क्योंकि वो अदाकारी नहीं कर रही, वो हकीकी माँ होती है। तो क्या होता है कि हम यहाँ पर अगर नमाज की अदाकारी करें, अगर हम तिलावत पढ़ते हुए अल्लाह से मोहब्बत की अदाकारी करें, इसको भी समझिएगा। जुनेद बगदादी का किस्सा सुना दे तो फिर कह रहा हूँ, जहां आपको लगे ना कि ज्यादा वक्त हो गया तो जरा सा आप मुझे, मैं समझूंगा मुझे खत्म कर देंगे, मैं उसी में जोड़ जोड़ जाऊंगा, सही हो गया। जुनेद बगदादी जब छोटे थे कोई खास नाम नहीं था तो ना मालो मता था, वैसे ही गवेश गरीब से रहते हुए उनके साथ ने कहा कि बाल छोटे कर लो, क्या बड़े बाल रखे हैं, गैर पैसे तो थे नहीं खेत में। बार्बर चौक में बाहर खड़े हुए देखने लगा उनका रास्ता कब आता, ये बार्बर बाल काट रहा था, उसने देखा तो ये गणेश का बंदा था है बाहर आके, कैसे क्या हुआ, कैसे अल्लाह ना मेरे बाल काटोगे, उसने सारों के काम छोड़ दिया, इनके काटने लगा, जिनके बाल काटे तो उन्होंने कहा ये क्या, कहते तुमसे पैसे लेता हूँ, कहते हैं वो क्या, कहते हैं वो अल्लाह ने भेजे बाल काट दिए, सही हो गया। कहते पहली दफा कोई ऐसा आया जो अल्लाह के लिए मेरे से काम करवा रहा है। अब गुजर गया, इन्हें बगदादी की नियत ये थी जब माल मता आएगा तो पैसे नहीं, अल्लाह ने बहुत बड़ा नाम बना दिया सूफी मंदिर, लोग उनके पास आ जाते वक्त आया ढूंढ उनके मिल गया, कहते हैं मैं वो शख्स हूँ ये तुम्हारे पैसे हैं, कहते हैं जिन्हें बगदादी सूफी तो बन गए, ये ना समझते थे अल्लाह के नाम के पैसे होते हैं। ये है कैफियत, ये अदाकारी नहीं है। मुसलमा कज़ाब का नाम शायद सुना होगा, इश्तेहार से सुना होगा, शायद आप लोग मुझे किसी को अपना पता ना हो, बाकिया बहुत प्यारा है सुनने के काबिल, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। क्या होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से खत लिखते हैं मुसलमा करता, आज के दौर के काफी बनेगा मुसलमा करता खत लिखता है, कहते हैं कि मेरे साथ मुआहिदा कर लो, और बड़ी सी उसके पास ताकत वाला था, कहते हैं मुआहिदा ये कर लो जब तक आप जिंदा हो, आप नबी आपके मरने के बाद मैं नहीं, या ये कर लो अपने इलाके के आप नबी मेरे इलाके के, जिस महफिल में बैठे हुए थे, कहते हैं इस कज़्ज़ाब के पास खत कौन लेके जाएगा, उसके
के पास थक लेके जाने का मकसद सीधा सीधा अपने जिस्म के टुकड़े करवाना। मेरे नबी के मुंह से जुमला निकल रहा था, एक शख्स सामने से खड़ा हुआ, वो खजूर खा रहा था, उसके मुंह में खजूर थी। उसने कहा मैं इतनी जल्दी में कहा कि सहाबा के मुंह पे खजूर के टुकड़े गिरे, तो उनका खजूर तो खा ले, कहते ऐसा ना कोई और कह दे। वो अदाकारी नहीं थी, वो मोहब्बत की अदाकारी नहीं थी। बोल दो ना बर्थडे नहीं मनानी होती, क्या है अल्लाह को पसंद नहीं है, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमने तो अदाकारी सीखी ना। कहा हजरत हबीब रजा उनका नाम था, कहा हबीब तुम जाओगे, छाबड़ी करते थे, सर पे छाबड़ा रख के खजूरें भेजा करते थे, सही हो गया, 12 बच्चे थे, हद दे दिया, नेता दे दिया, भेज दिया। वहां जो दरबार में एक वो बाद में मुसलमान हुआ, तो उसने ये सारा किस्सा बाद में सुनाया था, ऐनुल यकीन वाला किस्सा है। हद दिया, उसने लिखा हुआ था मुसलमान कज़्ज़ाब, उसकी तरफ देखे कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, कहते हैं 12 बच्चे हैं, कुछ दूध पीते हैं, जब खत थे के निकला था एक दफा मुड़ के नहीं देखा था, अभी भी मेरे पे पूछता है। कहते हैं पीछे तुम्हारे जो मेरी फौज के हाथों पे नेजे हैं, कहते हैं गुलाम रसूल को नेजों से क्या लेता, एक हाथ काट दिया जाता है। कहते हैं अब क्या सोचते हो, मैं सोच क्या है तो तू बता तू क्या सोचता है, वाक्य क्यों बताया। देखो समझने की चीज, कुरान ऐसी किताब थी जो किसी पहाड़ में उतारी जाती, रेजा रेजा होगी, मैं नहीं कहता, कुरान कहता समझाता हूं। क्या हुआ, सुनामी आया, सुनामी समुंदर की गहराई में आया था, जमीन पे नहीं आया था, समुंदर में आया था, समुंदर की भी गहराई में आया था। तबाही कितनी थी आपने भी देखी, मैंने भी देखी, थोड़ी सी क्या थी, जमीन डिस्टर्ब हुई, सही होगी बात। इसलिए कुरान की जो फ्रीक्वेंसी है ये अगर मैच करना शुरू कर देगी, रेजोनेंस का आपने प्रैक्टिकल किया होगा, आराम से ये चीजें रेजा रेजा होते हैं। क्या हमने कभी इसको समझा, हमारे पास टाइम कहाँ है, हमने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, दुनियादार है, मैंने किसी को घुमाया था, मोमिन पैसे वाला हो जाए, मोमिन चोर डाकू हो जाए, मोमिन दानी हो जाए, लेकिन मुझे खौफ है मोमिन दुनियादार हो जाए। इसलिए क्या हमने ईमान को बदली कर दिया दुनिया, तो आज की महफिल के लिहाज से चंद अल्फाज बोलने की कोशिश की, जो ये वाली चीज है रोजाना का अगर थोड़ा सा वक्त निकाल एक आयत का और उसको इस तरह से समझो कि वो आपकी जिंदगी को कैसे बदली कर सकता है। कहा कहते हैं कि वो किताब में जिसमें तुम्हारा जिक्र है, हमारे अंदर जिक्र मौजूद है, सही हो गया। टेक्निक इतनी ज्यादा हो चुकी है, जितना बोलो उतना कम है, लेकिन आप लोग मेरे हाथ पे थोड़ा सा महसूस करके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुरान के ना दो तरह के मायने हैं, एक होता है मायने खास, एक होता है मायने आम। मायने खास ये कि जब उसका शाने रसूल हो तो उसको क्या मौका था, क्या निस्बत थी, उस लिहाज से बोलते हैं मायने खास होता है, पढ़ाया जाता है तफसीर में होता है। जब आप किसी इल्म वाले के साथ बैठते हो सीखने की कोशिश करते हो तो मायने आम होता है कि हम अपने पे कैसे इसे मैप करेंगे, तो क्या करें कि रोजाना एक आयत में और उसमें से वो पॉइंट निकालें कि वो आप पर कैसे मैप करें, वहां से फिर तब्दीली होना शुरू हो। अगर वहां से तब्दीली नहीं होगी फिर क्या होगा, फिर फसाद ही फसाद, फिर क्या है कि शैतान जीत गया, वो यही चाहता था इस किताब से आपको किसी तरह से किताब से दूर हो गया और फिर रट्टे के तहत उसको धारा शुरू कर दिया, तो फिर ये है कि ये चीजें आपके लिए एक काम की किताब रह जाए, कि उसके नाम कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक अता फरमाए कि
भाषा से इस्तेमाल करने का हक जब आपने उसके दर में डाल दी उसके बाद परेशानी चाहिए फिर तो इसका मतलब शक है। आपने अभी सूरह बकरा की सिलाई आज पढ़ी, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है। दुनिया में 90% बीमारियां शक वाली हैं। स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, सही शब्द स्किज़ोफ्रेनिया है, ये हमेशा हो गया। एक बाकायदा इधर आपको मोदी मिलती है, वो थी एक्टर थी परवीन बोबी करके नाम था उसका, उसको शक की बीमारी हो गई। उसने कहा मेरे साथ तो एक्टर ही मुझे कुछ कतल कराना चाहता है। उसने गार्ड रख लिए, अपने खाने को 10-10 दफा चेक करवा दी, 6 महीने के अंदर अंदर वो शक की वजह से बीमार थी। आज ये कहा जाता है दुनिया में 90% जो बीमारियों का सोर्स है वो शक है। और हमारी किताब की दूसरी आई भी ये है कि शक खत्म कर दो, लेकिन हम आज तक शक नहीं खत्म कर सके। भारत जितना हो सके कम करके ज्यादा वक्त नहीं होगा, दुआ की तरफ आ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि दुआ का हक अदा किया जाए। वैसे मैं इंफरादी दुआ वाला शख्स हूँ, कहता हूँ कि इंफरादी दुआ होती है, इज्तिमाई मामला में इज्तिमाई अल्फाजों को इस्तेमाल कर दिया जाएगा। यहाँ पर इख्तिताम में कुछ और जगह तोहफा देने की कोशिश भी करूँगा। क्या होता है कि इंसान अगर किसी भी जगह जाए, किसी भी जगह जाए, जैसे इंसान स्कूल जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है, मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने के लिए जाता है, इंसान अगर स्टेडियम जाता है तो खेलने के लिए जाता है, एक कोई ना कोई मकसद होता है। बेमकसद चीज अगर होगी तो उसका सादा से निकाल है। अगर यहाँ से आप निकले, आपको ना पता हो आपने कहाँ जाना है, आप में से कोई लेफ्ट चला जाएगा, कोई राइट चला जाएगा, कोई सीधा चला जाएगा, 2 घंटे चलते रहोगे उसके बाद पता ही नहीं होगा हम कहाँ पहुंचे, मंजिल बैठे पाई नहीं। इसी तरह से कोशिश किया करें कि जब तो रमजान की आखिरी रातें हैं, जब रमजान शुरू हो तो कोई मकसद है। मैं अपनी बात बताने जा रहा हूँ, दुआ आ गई तो मैंने बता दिया। मैं हर साल अल्लाह से कहता हूँ कि ज्यादा इस रमजान का कोई तोहफा दे, जो आज मैं दुआ के बोल रहा हूँ ये पिछले रमजान का मुझे तोहफा था। क्योंकि हम लोग आमिल कहलाते हैं तो हम अमलियात के हिसाब से भी चलते हैं, तो हमने तकरीबन नमाज पढ़ने का मकसद रख लें, एक तो है ही है, और ऐसे निकलने ऑफिस के मकसद तो रखिएगा यार, मकसद ही इंसान है, मकसद इंसान तो अल्लाह ताला की पसंद नहीं है। तो इसमें जो तरतीब हमारी तरफ से इंशाल्लाह ताला होगी तो उसके पीछे मकसद मौजूद है। बच्चा ये है कि दिल में आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला वो कबूल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ। सही हो गया, तो हम याद है कि करते हैं। अल्लाह ताला